अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज जो है सो कॉलेज में एक हादसा हुआ हमारे भाई के साथ। जरी सी बात पे जो है सो कॉलेज के स्टूडेंट बीच लड़ाई हो गई। बच्चे को SIS नलगुंडा एक्स रोड के नीचे SIS कॉलेज है, वहाँ पर जो है सो जरी सी बात पर पेपर नहीं दिखाने के तरफ से बस उन्हों बच्चे को एग्जाम का पेपर कुछ बच्चा दिख रहा था, कहते चीटिंग पेपर कुछ बता बोले नहीं बताया बच्चा, वो वजह से हमेशा गाली गलौज कर रहे थे बच्चे से। अब बच्चा नहीं बताने की वजह से नीचे सलाह में कुछ बात करते करते बच्चे को बहुत बेहरमी से मारे। CCTV फुटेज भी आई हुई है, बहुत मुश्किल से मिली। हमारी अपील है पुलिस वालों से या कॉलेज वाले जो भी है सबसे कि वो जल्द से जल्द वो बच्चे को लाया इधर ला के बात करिए। कैफ कैफ नाम है, संतोष नगर। हाँ, इससे पहले भी 2-3 बार मारे बच्चे को, लेकिन मारे नहीं नहीं बताए थे। वो दोस्ता नाश्ता करते बच्चों का और थोड़े बच्चे भी इनके दोस्ता खड़े हुए थे, लेकिन उन लोग भी कुछ भी नहीं बोले। अब बाद में फोटेज के लिए हम लोग उतर गए तो फोटेज नहीं देने थे, बोला कोई निकाल के ला के दिए। फोटेज जो सो वायरल हुआ हम बताए करे तो। अभी तो कॉलेज को इन्फॉर्म नहीं हुआ, कॉलेज बंद हो गया था वो टाइम पे। अभी तो चादरघाट PS ने कम्प्लेन दिए, वो बच्चे के वालिद और बड़े भाई आ रहे थे बात करने के लिए। अभी तो बच्चा बहुत कंडीशन बच्चे की बैठे इधर CC शरफ में है, देखना है अभी क्या होगा। अभी क्रिटिकल है बच्चे की कंडीशन? हाँ, बहुत क्रिटिकल है। तो अभी पुलिस और कोई नहीं, पुलिस वाले आए थे कुछ बच्चे से बयान लिए लेके चले गए। अभी जाके आप वहाँ पे PS में भी ले आके उन्होंने रिपोर्ट दिए गए थे। अभी सर आ रहे हैं SI साहब या कोई, ये कॉलेज छूटने के बाद 3:30 बजे हुआ। जब भी 1 आवर के बाद एक बच्चा उनके पास से नंबर निकाल के बड़े भाई को कॉल करके बोला ऐसा उस्मानिया को लेके गए तो उस्मानिया में नहीं लिए, कंडीशन बहुत बैड है बोले। फिर यहाँ CC शरफ को लाए तो उधर लिए बच्चे को एडमिट करे इधर। अस्सलाम वालेकुम। हमारे भाई को ऐसा हमला करे कॉलेज में हमला करके बच्चे के ऊपर, बहुत इससे पहले भी बच्चे को मारे थे और दोबारा फिर अब मारे तो बच्चे के कॉलेज के बच्चे उस्मानिया पुलिस के दवाखाने को लेके गए। पुलिस के दवाखाने वाले उस्मानिया को भेज दिए, उनकी बहुत वो कंडीशन बहुत खराब है। बस मेरे भाई के वास्ते पूरा वो करो, आप लोगों से अपील है कि मेरे भाई के वास्ते पुलिस वाले कुछ तो भी करो। ये नहीं देख सकते हम लोग क्योंकि हम पूरे बहना 6 बहनों के शादियां हो गए, ये भाई हमारे छोटे हैं, दो भाइयां शादी हो गई उन अलग रहते हैं, उन लोगों इन्हों गए से मेडिकल को जाके आते दिन से और कॉलेज से 1:30 बजे आके कॉलेज से मेडिकल को जाते हैं, मेडिकल से रात में 12:30 को आते हैं, घर में जाके लिख लेते हैं पढ़ लेते रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं और उनका कुछ दोस्ताना गलत गैर नहीं है, सिर्फ मेडिकल में तो वक्त गुजर जाता है उनका, आए बाद में पढ़ाई कर लेते रहते हैं उन्हों। बस पुलिस वालों से अपील है कि हमारी मदद करो और हमारे को इंसाफ दिलो जो भी है आपकी। हम लोगों को क्या ऐसा 3 बजे के टाइम उस्मानिया को लेके गए तो मेरे वालदा गिर गए। मैं क्या ऐसा वालदा के घर के बाजू रहती हूँ, बच्चे ऐसा फोन करते कि अम्मी गिर गए, अम्मी हमारे घर पे फोन करे तो मेरे बच्चे मई गए, मगर मेरे बच्चे भी कामों पे चले गए थे, नहीं थे मेरे बच्चे। कंडीशन बहुत खराब है मेरे भाई की, बस आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे भाई के वास्ते इंसाफ की बात करो और इंसाफ दिलाइए बस। और हमारे भाई के लिए सब जने से दुआ की थी, हमारे भाई के लिए सब जने, हमारे भाई में ऐसी आदत फितरत की नहीं है, आप मेडिकल पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं मेरे भाई की आदत फितरत कैसी। RF निजामी है मेरे भाई का नाम, सैयद RF निजामी है, इससे पहले भी मारे तो मैच वाली थी हॉट पे कई को कई का मार लगा बोले था नहीं आप ही कुछ भी नहीं मार लग गया मैं को पक गया बोले मगर ये बंदे जो मारे। हाँ, क्या नाम उनका? कैश नाम है वो बच्चे का, वो कैश क्या है सा ऐसा करे मार के पूरा, आप वीडियो देख सकते हैं हम लोगों को। दूसरे कॉलेज के बच्चे
ये नलगुंडा, इस नलगुंडा ब्रिज है ना, उसके नीचे कॉलेज है, SIS कॉलेज करने हुआ सर। नहीं, कॉलेज के बाहर, ऊपर कॉलेज रहता, नीचे उतरे बाद में से जी सलार में लेके जाके अंधेरे में मारे। आप देख सकते हैं ये वीडियो, देख के बात कर सकते हैं, बच्चे की पूरी वीडियो देख सकते हैं आप लोग, देख के बात कर सकते हैं। हाँ, मार दिए। इससे पहले भी पेपरों के लिए बोले थे घर में, फिर मैं नहीं बता तो बोले तो मार तो मुल के खाली ढाका डाला बच्चा वो, मगर मैं बात करना छोड़ दिया बोले थे हमारे भाई, ऐसी बात है। पेपर बताने के लिए बोले। जी हाँ, पेपर उन्होंने नहीं लिख रहे थे तो तू लिख, नहीं तो बता, नहीं तो बोले था उन्होंने, बोले नहीं बता तो मैं बोल के बोले उन्होंने हमारे भाई। वो वजह से फिर पेंशन बहुत हो गए थे उनको।